अब देखो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलिस ट्राइंगल। एबीसी आइसोसेलिस ट्राइंगल है और डीबीसी भी आइसोसेलिस ट्राइंगल है। दोनों किसके ऊपर खड़ा है, बीसी के ऊपर। लिखा भी हुआ देखो, स्टैंड ऑन द सेम बेस बीसी। एबीसी आइसोसेलिस मीन्स ये दोनों साइड आपस में इक्वल। आइसोसेलिस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। डीबीसी भी आइसोसेलिस है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा, होगा कि नहीं। इसके बाद क्या बोला, एडी एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी। तो पहला प्रूफ क्या करना है, गिवन पार्ट एज इट इज बुक से लिखोगे। रोमन नंबर 1 में क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी। तो लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए थ्री पार्ट्स इक्वल दिखाना पड़ेगा। कितना, टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो वो थ्री पार्ट्स या तो साइड 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 होगा, नहीं तो साइड एंगल साइड होगा, नहीं तो ए एस ए होगा, नहीं तो आर एच एस होगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए बी डी मीन्स ये वाला ट्रायंगल, ए सी डी मीन्स ये वाला ट्रायंगल। तो पहले क्या लिख पाओगे, ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों लिख पाया, क्योंकि ए बी सी आइसोसेलिस ट्रायंगल है। उसके बाद क्या लिख पाओगे, डी बी इक्वल टू डी सी। ये क्यों लिख पाया, क्योंकि डी बी सी क्या ट्रायंगल है, आइसोसेलिस ट्रायंगल है। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकोगे, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलिस। सेम केस यहाँ पे, ट्राइंगल डी बी सी इज आइसोसेलिस। हो गया। थर्ड और एक पार्ट दिखाना है, दोनों ट्राइंगल में देखो ए डी प्रेजेंट है कि नहीं। ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या साइड हो गया, कॉमन साइड हो गया। हो गया, थ्री पार्ट्स हो गया, पहला साइड साइड साइड, थ्री पार्ट्स हो गया। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। तो ब्रैकेट में क्या आया, एस 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 पोस्टुलेट आया, एस 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 पोस्टुलेट। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है उसका हर एक पार्ट इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो इसके लिए हम लोग ये लिख पाएंगे कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो वी कैन राइट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इस एंगल का नाम क्या है, बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। ब्रैकेट में क्या आएगा, सी पी सी टी। सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब बी ए डी मीन्स वॉट, ये वाला एंगल, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए पी, बी ए पी। तो बी ए डी की जगह क्या लिख पाओगे, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए, सी ए डी तक था ना, डी को एक्सटेंड कर दिया, क्या लिखा, सी ए पी। अब देखो बी ए डी और बी ए पी सेम ही है, ये वाला एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी ए डी बोलने से भी ये वाला एंगल और बी ए पी बोलने से भी यही एंगल। अब ये क्यों लिखा था मैंने, देखो लास्ट वाला में देखो, रोमन नंबर 3 में देखो लिखा हुआ है। अच्छा ये लिखा, तो इसको यूजिंग 1, इसको इक्वेशन 1 देके रखो बस, या तो कॉपी करो। क्या क्या लिखा, ए बी इक्वल टू ए सी, डी बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू ए डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, दैट इज बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। ठीक है,
लिखा सबको है, जल्दी लिखो। अब देखो रोमन नंबर टू में क्या प्रूफ करना है, रोमन नंबर टू में प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी। रोमन नंबर टू में देखो तुमको प्रूफ करना है एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी, यही तो। मैं इसको रब कर देता हूँ, बाद में जब जरूरत होगा इसको मैं बना दूंगा। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी। तो मेरा ट्रायंगल कौन सा होगा, एबीपी और एसीपी रोमन नंबर टू के लिए। तो इन ट्राइंगल ए बी पी तुम लोग साथ साथ लिखते रहो, एंड ट्राइंगल ए सी पी, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, थ्री पार्ट्स इक्वल दिखाओगे, तो ए बी पी और ए सी पी में इक्वल क्या क्या लिखवाओगे, पहले ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलिस, ठीक है। ये लिख लिया, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। वह ट्राइंगल का नाम क्या था, ए बी पी और ए सी पी, दोनों ट्राइंगल में देखो ए पी आ रहा है कॉमन साइड, तो ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन साइड, ठीक है। और एक चीज लिखना है ना, लिखना है कि नहीं, और एक चीज क्या लिख पाओगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों लिख पाया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आगे प्रूफ किया था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल। देखो एक क्वेश्चन नंबर वन में प्रूफ कर दिया था बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, ठीक है। तो लिखोगे एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग वन, यूजिंग वन, यहाँ पे देना मैंने यूजिंग वन दिया था, ठीक है। हो गया अभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, थ्री पार्ट्स हो गया। देखो ये वाला एक साइड दिखाया मैंने, दूसरा ये वाला साइड दिखाया मैंने, और थर्ड क्या दिखाया, ये वाला एंगल। तो दो साइड के बीच एंगल ना, तो ऐसे एस पोस्टुलेट होगा। सो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, ब्रैकेट में आएगा एस ए एस पोस्टुलेट, एस ए एस पोस्टुलेट, ठीक है। हुआ, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। रोमन नंबर थ्री में देखो क्या प्रूफ करने दिए, रोमन नंबर थ्री में प्रूफ करने दिए एपी बाइसेक्ट एंगल ए, ये जो एपी है एंगल ए को बाइसेक्ट करे, एंगल ए पूरा है कि नहीं, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं इस बार, दिस टू पार्ट सीक्वल, ये तो मैंने ऑलरेडी आगे दिखा दिए, ये हो गया। फिर दूसरा क्या दिया, एज वेल एज डी, डी के लिए मैं अलग सा प्रूफ करूंगा। रोमन नंबर फोर में क्या दिया, देखो तो ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये जो ए पी है इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, बाइसेक्टर ऑफ बी सी मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों पार्ट इक्वल दिखाना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर मीन्स ये वाला एंगल कितना होना पड़ेगा, 90। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो आराम से लिखोगे बी पी इक्वल टू पी सी, ब्रैकेट में सी पी सी टी, ठीक है। ये तो बाइसेक्ट कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, तो ये दोनों एंगल क्या दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मीन्स ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये भी ब्रैकेट में सी पी सी टी, ये दोनों एंगल इक्वल, पर मुझे इक्वल नहीं दिखाना है, दिखाना है 90। इन दोनों को प्लस करने से कितना आएगा, 180। बट एंगल ए पी बी
बट एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू कितना 180, दोनों एंगल इक्वल और दोनों का सम 180, इसका मतलब ईच ऑफ देम विल बी हाउ मच, ईच ऑफ देम विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो नीचे लिखोगे हैंस ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, तो पहले ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया, क्या क्या लिखा, ए बी इक्वल टू ए सी, ए पी इज द कॉमन साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, हुआ ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। मुझे क्या प्रूफ करना है, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, बाइसेक्टर ऑफ बी सी मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल, तो मैंने लिखा बी पी इक्वल टू पी सी, ये दोनों पार्ट इक्वल, ये दोनों एंगल क्या दिखाना पड़ेगा 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, क्यों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये दो ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये वाला इक्वल है, और इन दोनों का साम कितना है 180, दोनों का साम है 180 एंड दे आर इक्वल, सो ईच ऑफ देम विल बी हाउ मच 90। ये वाला लिखो, ठीक है। अब देखो मैं फिर से रिपीटेडली बोल रहा हूँ, यहाँ पे रोमन नंबर वन में क्या प्रूफ करना था, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी, ये प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने क्या लिखा, ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए डी, बी डी इक्वल टू डी सी, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, जिसको हम लोगों ने लिखा बी ए पी इक्वल टू सी ए, तो ए पी बाइसेक्ट कर लिया एंगल ए को, तो ये रोमन नंबर थ्री का पहला वाला पार्ट हो गया, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, रोमन वन और रोमन थ्री का फर्स्ट पार्ट हो गया। रोमन नंबर टू में क्या प्रूफ करना था, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ए सी पी, तो ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करोगे, थ्री पार्ट्स इक्वल दिखाना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, तो हम लोगों ने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी, ए पी कॉमन साइड और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ऐसे एस पोस्टुलेट। ठीक है, रोमन नंबर फोर में क्या बोला, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, ए बी पी और ए सी पी, तो आराम से लिख पाओगे बी पी इक्वल टू पी सी, जो मैंने लिखा है यहाँ पे सी पी सी टी, और ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ए पी बी इक्वल टू ए पी सी, सी पी सी टी, इन दोनों का साम कितना है 180, बिकॉज दे मेक ए लीनियर पेयर, हाफ मून बना रहा है देखो प्रोटेक्टर वाला, तो अगर दोनों का साम 180 है एंड दे आर इक्वल टू इच अदर, इच विल बी इक्वल टू 90, तो लिखा ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। वन हो गया, टू हो गया, थ्री का फर्स्ट पार्ट हो गया, फोर हो गया, अब बचा कौन, ए पी बाइसेक्ट डी, ए पी बाइसेक्ट एंगल डी बचा हुआ है ना, तो ए पी बाइसेक्ट एंगल डी मीन्स व्हाट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या दिखाना पड़ेगा इक्वल, ए पी बाइसेक्ट एंगल डी, एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स एंगल डी इज डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब नीचे लिखो इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल बी डी पी, इसको और इसको इक्वल दिखाने के लिए ये वाला एक ट्राइंगल होगा, ये वाला एक ट्राइंगल होगा,
इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, सी डी पी, बी डी पी और सी डी पी। तो पहले लिखो बी डी इक्वल टू डी सी, क्यों लिख पाया? ट्राइंगल डी बी सी इज आइसोसेलिस। डी पी इक्वल टू डी पी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कॉमन साइड, ठीक है। अभी क्या आया? बी पी इक्वल टू पी सी, आया कि नहीं? अभी भी मिला था ना, बी पी इक्वल टू पी सी, ब्रैकेट में लिखना सिंस ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। हो गया थ्री पार्ट्स। तो ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी पी, ब्रैकेट में एस 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 पोस्टुलेट, ठीक है। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, आराम से लिख पाओगे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल बी डी पी, एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, सी डी पी दैट इज, यहाँ पे लिखना सी पी सी टी, दैट इज डी पी बाइसेक्ट एंगल डी, हैंस ए पी बाइसेक्ट एंगल डी। ये दोनों एंगल इक्वल मीन्स ये वाला लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला लाइन मीन्स व्हाट? ए पी, ठीक है। सो कॉपी करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, आप क्वेश्चन नंबर थ्री का डायग्राम बनाओ। हुआ सबका? ये वाला अगर सम आया ना तो 5 मार्क का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रूफ है। आप क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो डायग्राम दिया हुआ है, ए बी सी ए बी सी और दूसरा क्या है तुम्हारा? पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ए एम और यहाँ पे पी एम। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो। टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बी सी ए एम, ए एम हो गया मीडियन। ध्यान से सुनो पहले, ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, देन शो दैट ए बी एम इज दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एम एंड ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो पहले लिखो कि गिवेन, गिवेन में क्या है? ए बी इक्वल टू पी क्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ देखना, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, मीडियन ए एम इक्वल टू पी एम, ठीक है। नीचे क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ दैट
रोमन नंबर वन में क्या है, ट्रायंगल एबीएम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूएम, एंड रोमन नंबर टू ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए एम इक्वल टू पी एम। टू प्रूव दैट दिस लिखो ये, गिवन पार्ट जैसे लिखा गया वैसे लिखना। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए एम इक्वल टू पी एन। टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन एंड ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रूफ। आप देखो ध्यान से देखो, ए एम अगर मीडियन है, ध्यान से देखो सबको बोर्ड में, बाद में लिखने का टाइम दूंगा मैं। ए एम अगर मीडियन है देन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पी एन अगर मीडियन है तो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो मिड पॉइंट मीन्स वॉट, बी एम इक्वल टू वॉट एम सी, एन मिड पॉइंट मीन्स क्यू एन इक्वल टू एन आर। इसका मतलब बी एम जो है इट इज हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी, ये दोनों पार्ट इक्वल। सेम वे क्यू एन जो है हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर। तो पहले मैं ये तो दिया हुआ है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू क्यू आर। दोनों तरफ अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई करता हूँ, हाफ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हाफ ऑफ बी सी व्हाट आई कैन राइट, बी एम। लिख पाओगे, यू कैन राइट एम सी ऑल्सो। एम सी जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कौन सा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये वाला और ये वाला। तो आई एम विद इन माई ट्राइंगल, विद इन माई ट्राइंगल। हाफ ऑफ बी सी लिख पाओगे बी एम, सेम है हाफ ऑफ क्यू आर क्या लिख पाओगे क्यू एम। क्यों लिख पाया, रीजन देना पड़ेगा। ये इसीलिए हुआ क्योंकि एम क्या है बी सी का मिड पॉइंट, मिड मीन्स मिडिल पॉइंट, और एन क्या हो गया मिडिल पॉइंट ऑफ क्यू आर। सीन्स एम एंड एन आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट, रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड क्यू आर। लिखो, ये दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखना गिवन, ब्रैकेट में लिखना गिवन। सो यहाँ पे मैंने लिखा बी सी इक्वल टू क्यू आर, हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, सो बी एम इक्वल टू क्यू एम। अब कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी एम एंड पी क्यू एन ना। पहला कौन सा दो ट्रायंगल, ए बी एम एंड पी क्यू एम। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। लिखा तो फर्स्ट क्या लिख पाओगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवेन। दूसरा क्या है, ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी दिया हुआ है, ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी गिवेन। और अभी कभी क्या मिला, बी एम इक्वल टू क्यू एन। इसको इक्वेशन वन दे दो और ब्रैकेट में लिखो यूजिंग वन, यूजिंग वन। ठीक है, थ्री पार्ट्स हो गया, साइड साइड साइड। तो ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन ब्रैकेट में एस 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 पोस्टुलेट, ठीक है, एस 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 पोस्टुलेट। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल लिया गया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो लिखा मैंने ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए एम इक्वल टू पी एन, बी एम इक्वल टू क्यू एन। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो गया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, होगा कि नहीं? तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैंने लिख लिया यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ब्रैकेट में लिखो सी पी सी टी और इसको इक्वेशन टू दो, इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन टू। ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए एम इक्वल टू पी एन, बी एम इक्वल टू क्यू एन, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। अब मुझे दूसरा ट्राइंगल कौन सा प्रूफ करना है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू। अब ये ट्राइंगल, ये पूरा ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर, ये बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो हम लोग लिख पाएंगे पहले ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या लिख पाएंगे, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यू आर गिवन। और तीसरा क्या लिख पाएंगे, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला दिखाया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है कि नहीं, अभी अभी प्रूफ किया था। नीचे लिखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ब्रैकेट में लिखोगे यूजिंग टू, हो गया थ्री पार्ट्स, हो गया। तो आराम से लिख पाओगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या पोस्टुलेट आएगा, दो साइड के बीच में एक एंगल, तो एस ए एस पोस्टुलेट, एस ए एस पोस्टुलेट। अब कॉपी करो इसको, क्लियर हुआ? तो पहले मैंने ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ए बी इक्वल टू पी क्यू लिखा, ए एम इक्वल टू पी एन लिखा, बी एम इक्वल टू क्यू एन लिखा, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। उसके बाद बड़ा वाला इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और जो एंगल इन बिटवीन दैम वो इक्वल लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.3 का पाँचों सम्स, ठीक है। वन भी हो गया, टू भी हो गया, टू हो गया था प्रीवियस क्लास में, थ्री अभी हुआ, फोर भी प्रीवियस क्लास में हुआ, और फाइव भी हो गया था ना। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट, ठीक है।